तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल ऐप के सर्च हिस्ट्री को वन क्लिक पर डिलीट कर सकते हो। आपको एक एक करके अपने सर्च हिस्ट्री को डिलीट नहीं करना है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पूरे के पूरे गूगल ऐप के सर्च हिस्ट्री को वन क्लिक में डिलीट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं पवन कुमार एनसीसी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको अपने गूगल ऐप के सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ। जो भी मैं यहाँ पर फ़ोन में प्रोसेस करूँगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख कर समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले मैं चलता हूँ गूगल ऐप में। तो यहाँ पे मैं गूगल ऐप को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे गूगल ऐप को ओपन किया तो मुझे कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देने को मिला। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ प्रोफाइल वाला आइकन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको भी यहाँ पर क्लिक करना है अपने गूगल ऐप के सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है नीचे और आपको यहाँ पे जो लिखा है सर्च हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो मेरे में थोड़ा ये लोडिंग ले रहा है, देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। तो अभी ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा और हमें कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देगा। तो वहीं पर हमें मिलेगा कि हम अपना यहाँ पे गूगल का सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पे लेकर आ गया और यहाँ पे लिखा है सर्च हिस्ट्री, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अपने गूगल ऐप के सर्च हिस्ट्री को पूरा का पूरा डिलीट करना है वन क्लिक में। तो इसके लिए हमें आना है नीचे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिलीट का एक ऑप्शन। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए तीन चार ऑप्शन हमें खुल के आ गए, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो डिलीट ऑल है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो आपका जो भी डाटा होगा वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा वन क्लिक में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर्च की हैं, यहाँ पे मैं ऐसे ही नहीं आपको डिलीट करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर्च की हैं, आपको भी यहाँ पर जब आएँगे तो आपने जो भी सर्च किया होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की हैं, मैंने PNG के बारे में सर्च किया है क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने PNG को मेरा यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वीडियोज़ के थंबनेल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर्च की हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें वन क्लिक में डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि चूज एक्टिविटी टू डिलीट, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमें क्या क्या डिलीट करना है। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हम यहाँ पे ईमेज सर्च डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ईमेज सर्च किया है तो वो यहाँ पे डिलीट करना चाहे तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने सर्च किया अलग अलग चीज़ों के बारे में तो यहाँ पर टिक है, हम उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ना चाहें तो हम यहाँ पर अनटिक किसे कर सकते हैं तो वो डिलीट नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पर वीडियो सर्च है, अगर हम इस पर जो इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर अनटिक कर सकते हैं या फिर टिक कर सकते हैं। टिक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे टिक रहेगा तो ये सारी चीज़ें टिक रहेंगी। तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट कर देना है क्योंकि हमें यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हमें इन चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देने को मिलेगा। यहाँ पे हमें कंफर्म करने के लिए कह रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। तो हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं अपना पूरा का पूरा सर्च हिस्ट्री वन क्लिक में। इसके लिए हम यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पर जो भी सर्च हिस्ट्री होगा वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा वन क्लिक में ही। तो यहाँ पर मैं डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया मुझे इस तरह का ऑप्शन दिखाई देने को मिल गया। यहाँ पे लिखा है डिलीटेशन कंप्लीट और यहाँ पे हमें टिक का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो भी डिलीटेशन था, हमें डिलीट करना था, वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है वन क्लिक में ही। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से यहाँ पर डिलीट हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर ओके का बटन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम फिर से उसी पेज पर चले जाएँगे जहाँ से हमने शुरू किया था डिलीट करने का।
तो यहाँ पे मैं ओके वाला आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओके वाला आइकन पे क्लिक किया, देख सकते हैं हमें फिर से उसी पेज पे लेकर आ गया और यहाँ पे लिखा है नो एक्टिविटी। अगर यहाँ पे जाकर हम कुछ सर्च करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक्टिविटी होने लगेगी और यहाँ पे हमारा जो भी सर्च करेंगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा कि हम क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में आपको ये तरीका भी बता दूंगा कैसे आप इसे बंद कर सकते हैं कि आप जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे वो यहाँ पे आकर सेव होगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपको कुछ हेल्प मिला होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है। तो इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर हमें कुछ कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा।